बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, जहां तेजस्वी यादव ने 2024 में मोदी का खेल खत्म करना है यानी मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के बाहों को मजबूत किया, तो कई बड़े और निर्णय सामने निकल कर आ गए। आइए देखते हैं हेडलाइंस पर। सबसे पहले हेडलाइंस, फिर देखेंगे खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम के तौर पर बनेंगे, नीतीश कुमार 24 के चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा यात्रा कर सकते हैं, तो पूरी खबर देंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तेजस्वी यादव के फैन है तो। दोस्तों बता दें कि आज उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए लोगों को लगभग 11 दिन बीत चुका है, अभी तक लोगों के निकलने की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के अंदर चल रहे आपसी मतभेद को लेकर के जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए एक और बयान दे दिया है, जिसको लेकर के नई खबर सामने आई है। बड़ी खबर बात करेंगे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून पर, क्या कोई बड़ा प्लान सेट किया जा रहा है, कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इस पर पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे चिराग पासवान के किस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के खेमों में खुशी की लहर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अन्य ताकतों के साथ मजबूत किया। बड़ी खबर बात करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते में आने वाली टूट के बारे में, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्ते के बारे में कोई बहुत बड़ी टूट सामने आने वाली है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। इसके साथ पुलिस अभ्यर्थियों के लिए आने वाली बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताएंगे, किस तरीके से खबर आई, किस तरीके से चीजें सामने निकल कर के आ रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में जानेंगे किस तरीके से आज यह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से बहुत बड़ी खबर सामने वायरल हो रही है, तो इसको पूरा देखिएगा अंत तक। दरअसल दोस्तों बात करेंगे गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह ने कहा भारत में एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हासिल होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी की बड़ी कोशिश ने रंग लाया है और किस तरीके से इंडिया अलायंस को मजबूती मिली है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस वक्त, इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने बीजेपी के खेल को खत्म करने के लिए कई बड़े निर्णय ले लिए, जिससे वह एक बार फिर से पार्टी को मजबूत कर सकेगी। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव को लेकर के अहम और बड़ी जानकारी दी है। 2024 का चुनाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और बहुत बड़ी जानकारी देने वाले दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर राहुल गांधी ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम सभी कांग्रेसी एक ताकत बनेंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और खुद को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रेजेंट किया, उसी तरीके से अब देश के जनता के सामने प्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज देश के युवा लगातार सरकार से रोजगार मांग रहे हैं और सरकार यह बात सुनने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी जानकारी तो नीतीश कुमार को लेकर के आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने 2024 के अंदर और भी कई बड़े रोजगार के जो बच्चे पिटा रहे हैं वो खोलने वाले, लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये बात साफ हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि बस बिहार के लोगों को तेजस्वी पर ध्यान लगाना चाहिए, उन्हें मजबूत करना चाहिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। बड़ी खबर बात करेंगे बिहार के चर्चित पत्रकार एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में एक और नया मोड़। मनीष कश्यप जल्द बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे को है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस देश के लिए हम सभी का प्यार और मोहब्बत जारी रहेगा। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बताएंगे बिहार से अब अलग अलग महानगरों में जाने वाली ट्रेनें भी खचाखच भीड़, लोगों को सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही है। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ा सफलता हासिल करने जा रही है और उसकी जो सफलता मिली है वह किसी सपने से कम नहीं है। इसके साथ बात करेंगे जी हाँ, बीजेपी एक बार फिर आरसीपी सिंह पर भरोसा जता सकती है और पद खाली कर सकती है बीजेपी उनका। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर में
अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के बड़ा निर्णय लिया और लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपना एक प्रयास किया कि देश के लिए हम सभी इम्पोर्टेंट। बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा रोडवेज और इसके साथ ही साथ प्रदेश रोडवेज पर लगातार लोगों के जाने की खबरें आ रही है। इसके बावजूद भी लोगों ने सवारी करना बहुत कम कर दिया है, बसें खचाखच भीड़ जा रही है। इसके साथ आज बड़ी खबरों में बातें करेंगे किस तरीके से आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव को लेकर के आगे का निर्णय लिया और बड़ी खबर यह है कि आज भगवा लहराने की तैयारी बिहार ने शुरू कर दी है। बिहार और एक बार लोगों ने रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर भगवा लहराने की तैयारी शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बस समय का और इंतज़ार है, फिर भगवा लहराए और जो भी कुछ उन्होंने कहा आइए आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ पप्पू यादव के किस बड़े निर्णय से देश में आज उनके चाहने वाले लोगों ने देश के अंदर जी हाँ इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, तो इस पर होगी पहली नजर, बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। बड़ी खबर सामने निकल कर क्या रही है इस वक्त, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के जी मजदूर जो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए हैं अभी तक उन्हें निकालने की कवायद की जा रही है पर कोई बड़ी सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं दे रही है। आज उनके घर वालों ने उन लोगों से मिलने के लिए बातें करने के लिए आज तलब उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार और सिस्टम दोनों इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसी वजह से आज मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं। अगर अभी तक ध्यान दिया गया होता तो मजदूरों को कब का निकाल दिया गया होता। इसके साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि मजदूरों ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको निकालने के लिए सही से फिलहाल ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाए। 11 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक जी नहीं निकल पाए वो लोग और इसको लेकर के बहुत जी हाँ गलत तौर तरीके से की चीज़ें सामने आ रही है। तो खैर वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या सजेशन है, क्या राय है, कमेंट का इंतज़ार आपका अक्सर हम करते रहते हैं। तो उत्तरी काशी के इस घटना को लेकर के बड़ा खबर, बड़ी खबर सामने निकल कर क्या रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि मध्यस्थ विभाग में अगर आप भी किस्मत आजमाते हैं तो आपको भी बिहार की सरकार लाखों रुपए का डोनेशन देने जा रही है। कुछ कर्जों को माफ़ भी बिहार सरकार कर रही है तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगी। हालांकि यहां साफ तौर पर दरअसल मध्यस्थ विभाग और इसके साथ अन्य विभागों में उद्योग करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने सफिशिएंट लोन देना शुरू कर दिया है, बहुत बड़ी जरूरत। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देश के अंदर लगातार एक के बाद एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है और एक उम्मीद की जा रही है कि कुछ नया और बेहतर होने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के लिए बच्चों के लिए लगातार बड़ा बड़ा प्रयास किया जा रहा है और एक बेहतर कोशिश की जा रही है। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार का निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय था। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 का चुनाव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी और बेहतर सामने निकल कर के आएगी। खैर अब अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा आप क्या सोचते हैं, इस पर अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आ रही है जहाँ तेजस्वी यादव के कई बड़े निर्णय से देश में एक और बड़ा इतिहास बन चुका है। देश में उनके चाहने वाले लोगों ने एक और नया इतिहास बना दिया है और इसके साथ उनकी तमाम ताकतें मजबूत हो रही है। देश में तेजस्वी यादव के समर्थकों ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में पुनः एक बार फिर तेजस्वी की सरकार बनेगी। यह बात स्पष्ट तौर पर सरकार और सिस्टम जान ले क्योंकि अब जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए बिहार के युवाओं ने तत्परता दिखाई रोजगार दिवस के अवसर पर भी। बड़ी खबर
बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है जी। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार पुलिस की लगातार तैयारी चल रही है और बिहार पुलिस ने जी हाँ पूरा कंफर्म तौर तरीकों से देश बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिससे तमाम ऐसे लोग जो आपराधिक दृष्टिकोण के हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बिहार में अपराध को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय से देश में इतिहास बनने वाला है। खैर अब अपनी जानकारी और अपनी बात जरूर कॉमेंट में लिख करके बताइए। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर जी हाँ नया और बड़ा प्रयास किया गया है इस वक्त, और बड़ा प्रयास जानते हैं क्या है। गिरिराज सिंह ने बताया कि बस बेगूसराय में बीजेपी का लहरा होगा, बीजेपी अब यहाँ पर हासिल करने जा रही है बड़ी सफलता। कुछ लोग बीजेपी को यहाँ ट्रोल कर रहे हैं, तो वो लोग जान लें कि बीजेपी इतनी आराम से टूटने वाले नहीं है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बस इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने जा रही है, बिहार के लोगों के लिए हम सभी का बड़ा निर्णय एक महत्वपूर्ण। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है। बिहार के सरकारों ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम रोजगार देंगे। तेजस्वी ने साफ तौर पर अपने शब्द और तमाम बातों के माध्यम से कहा कि हाँ रोजगार के तमाम एजेंडे जो हमने कहे थे वो हम पूरा करके रहेंगे, बस इंतज़ार कीजिए क्योंकि हम आपके लिए सपना साकार करने के लिए सभी मजबूती देख रहे हैं और एक बहुत बड़ा कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि कुछ बेहतर करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खैर अब अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।